नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। करहल क्षेत्र में हुई मैराथन दौड़ विजयी धावकों को किया गया सम्मानित। जनपद मैनपुरी में मैराथन दौड़ को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखा। करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम नगला रामफल में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतिभाग करने के लिए बड़ी संख्या में नव युवक सुबह से ही इकट्ठे दिखे। 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ शुरू होने से पहले लेक पार्क संघ अध्यक्ष विनय यादव ने सभी धावकों को दौड़ में खेल भावना बनाए रखने की शपथ दिलाई। खेल के प्रमुख समाज सेवी रामपाल सिंह यादव ने धावकों को हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। लगभग 100 युवाओं ने मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया। प्रथम पुरस्कार कुलदीप, द्वितीय पुरस्कार अजित, तृतीय पुरस्कार सूरज सिंह ने हासिल कर खूब शाबाशी पाई। समारोह समापन के दौरान विजयी प्रतिभागियों को सामाजिक कार्यकर्ता अनिल यादव ने फूल मालाओं के बीच नई साइकिल, मोबाइल फोन व शील्ड देकर पुरस्कार किया। इस दौरान अतिथियों, गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वो मैराथन दौड़ में डीपी यादव, अजीत यादव, प्रदीप कुमार, जितेंद्र कुमार आदि ने व्यवस्थाओं में खासा योगदान दिया। बहरहाल मैराथन दौड़ को लेकर क्षेत्र में खूब चर्चा बनी है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर डीपी यादव और कुलदीप यादव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आपका शुभ नाम? कुलदीप यादव। अच्छा, आपको ये नई साइकिल मिली है, क्या है पूरा मामला? यहाँ करहल नगला खम्बर में मैराथन प्रतियोगिता हुई, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, उसमें मैंने उत्तम स्थान प्राप्त किया। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सारे लोगों में विजयी हुए हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस तरफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि जो क्षेत्रीय स्तर के बच्चे हैं, जिसमें खेल के प्रति जो आजकल उनका लगाव है, उनका उत्साह है, दिनों दिन गिरता जा रहा है, तो थोड़ा उसमें उनका उत्साह वर्धन हो। ठीक है, खेल की तरफ युवा हैं, जो युवा खेल की तरफ आगे आए, थोड़ा निकल के आए, युवा जागरूक हों खेल के प्रति, खेल को समर्पित रहे खेल के प्रति और खेलों का महत्व समझे। तो इसी के लगभग कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया है? इसमें 75 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान पर रहे उन्हें हाल के लिए पृथक से इनाम दिया गया है। बाकी सबको फील्ड और सम्मानित किया गया है। फील्ड देके प्रथम को साइकिल दी गई है, सेकंड को मोबाइल है, थर्ड को भी मोबाइल है और जो फोर्थ है उसके लिए कपड़े हैं और फाइव के लिए भी कपड़े हैं।